ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। ये क्या बदतमीजी है? अंकुश राज, मैं जानता हूं कि दौलत राम का खून तुमने नहीं किया है और इसका सबूत मेरे पास है। पापियों का अंत करने वाले तुमसे पहले भी कई अवतार ले चुके हैं, लेकिन इस धरती पर ना पाप खत्म हुआ है और ना ही पापी। तुम बड़े लोग अपने आप को समझते क्या हो कि सारी दुनिया तुम्हारे इशारे पर नाचेगी? जितना चाहो देश को लूटोगे, जब चाहो किसी को मार डालोगे, चाहे जिस पर खून का इल्जाम लगाओगे, तुम्हारा खेल खत्म हो गया मिस्टर अंकुश राज। ये खेल तुमने शुरू किया था, तुमने जब मेरे भाई को जेल में डाला था। देखो, मेरे भाई को आराम से आजाद घूम रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई फांसी के फंदे से नहीं बच सकता। ए, ए, ए। ये खेल तुमने शुरू किया था, तुमने। मैं खत्म करूंगा, तुम्हारे भाई को फांसी होगी और एक दिन तुम खून के आंसू रोगे। लेकिन आज तुम रोना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें दौलत राम के खून के अपराध में गिरफ्तार करने आया हूं। तुम होते कौन हो मुझे गिरफ्तार करने वाले? अभी दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। तुम समझते क्या हो मुझे यहां से ले जा सकते हो? वरना तेरे भाई को गोली मार दूंगा और कल अखबार में खबर छपेगी कि कुछ गुंडे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। कमिश्नर साहब को खबर कर दो और उन्हें यह भी खबर कर दो कि दौलत राम के खूनी को मैं उनके ऑफिस लेकर आ रहा हूं। ये सब क्या है सर? ये अंकुश राज ही दौलत राम का खूनी है। क्या सबूत है? इसे सुनिए। अमर बड़े गुस्से में जा रहा है, क्या बात है? अरे कमबख्त, कह रहा था जाके मेरे भाई से माफी मांगो वरना जान से मार दूंगा। चाकू दिखा के मुझे धमकी दे रहा था। यही चाकू? हाँ। यानी इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होंगे? बेशक। ये तो जेलर का भाई है ना? हाँ, उसका भाई है। इसके भाई ने मेरे भाई को फंसाया था, अब मैं इसे फंसाऊंगा। वो कैसे? तुमने मुझसे 2 करोड़ मांगा था ना? नहीं नहीं। तुम मुझे फुटपाथ पे बेचने वाले थे ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तुझे बेचता हूँ ऊपर। अंकुश राज, अब फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन में होगा। मर गए मेरे भाई को फांसी के फंदे पर चढ़ाने वाले। कमिश्नर साहब, जिस कैसेट के बलबूते पर जेलर साहब इतना कूद रहे हैं, जरा ये कैसेट भी सुन लीजिए। यस। क्या कहा था तुमने मेरे भाई से? उन्होंने मुझे तुम्हारी मालदार बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए भेजा है ताकि मैं तुम्हारी ये दौलत हड़प कर सकूं। अरे थूकता हूं मैं तुम्हारी इस दौलत पर। तो जाओ बाहर जाके थूको
यहाँ क्या करने आए हो? ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का अपमान करने की। अपमान किया तो क्या हुआ, क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा अभी बताता हूँ दौलत राम। कमिश्नर साहब, अब आप ही बताइए असली खूनी कौन है। मिस्टर सिद्धांत, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए इतना बड़ा नाटक कर चुके। सर, जानते हो कितने बड़े इज्जतदार आदमी है ये, कितनी बड़ी पोजीशन है शहर में इनकी। अगर ये चाहें तो तुम एक सेकंड में सस्पेंड करा सकते हैं। सॉरी सर, आप सिफारिशों के बोझ तले दबे हुए हैं। बिहेव योरसेल्फ सिद्धांत, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? आईपीएस ऑफिसर से। क्या मैं ये जानने का हक रखता हूँ एक आईपीएस ऑफिसर के सामने एक आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड करने का हक इस जैसा आदमी कैसे रख सकता है? इससे बड़ी शर्म की बात हमारे डिपार्टमेंट के लिए क्या हो सकती है सर? आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद रिजाइन दे रहा हूं क्योंकि मुझे अपने परिवार का फर्ज निभाना है, एक बड़े भाई का फर्ज निभाना है। आज के युग में सच्चे इंसान की कोई कीमत नहीं है, वफादारी की कोई कीमत नहीं है, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। मैं अपने फर्ज की खातिर मन को मारकर भाई के रिश्ते तक को कुर्बान कर दिया। शिला, मैं बचाऊंगा अपने भाई को। जिन लोगों की साजिश का शिकार मेरा भाई हुआ है, उन लोगों का पर्दाफाश करके मैं अमर को बेगुनाह साबित करूंगा। अमर को बेगुनाह साबित करने के लिए आपको मोंटी चाहिए। ये मुझे आपने कहां फंसा दिया? मैं अपने दोस्त अमर को अच्छी तरह से जानता हूँ। इंतकाम का जुनून जब उसके सर पर चढ़ जाएगा, वो जख्मी शेर की तरह बन जाएगा। मुझे तो वो हरगिज नहीं छोड़ेगा, लेकिन मेरे साथ साथ आपके लिए भी वो मुसीबत बन जाएगा। हाँ, मेरे लिए? वाह, जैसे कि आप जानते ही नहीं, सेठ दौलत राम का खून अमर ने नहीं, आपने किया था। हाँ, आपने। Don't you bloody say that. आइंदा ये बात अपनी जुबान पर कभी मत लाना, इसीलिए तुम्हें पैसा दिया गया, समझे? विकी। जी भैया। आज शाम की फ्लाइट से इसे दिल्ली भेजना है और तुम वहां से सीधे फौरन जाओगे। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। अंकुश राज के घर से मुझे अभी अभी पता चला है कि उन्होंने अमर को विक्की के जरिए अपनी साजिश का शिकार बनाया है। तुम कहाँ से बोल रही हो? आप मेरी चिंता छोड़िए, आप फौरन जाकर विक्की को एयरपोर्ट पे पकड़ लीजिए, वो आज 4 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा है। प्लीज। ठीक है। समझ गया ना जेलर, अब चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ वरना तुम्हारे भाई की जान को खतरा हो सकता है। चलो। आइए जेलर साहब, मोंटी को पकड़कर तुम अपने भाई को बेगुनाह साबित करना चाहते हो, लेकिन वक्त ने तुम्हारा साथ नहीं मेरा साथ दिया है। वो देखो,
तुमने मोंटी को पकड़कर कौन सा तीर मारा है? ये तो पैसों के लिए घास भी खाता है। इसे कुछ रुपया और दूं तो ये तेरा भी खून कर देगा। अंकुश राज, ये सच है कि उस वक्त मैं पैसों के लिए घास खाया करता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन अब मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। अब मैं जेलर साहब के साथ हाथ मिलाकर तुम जैसे गुंडों और गुनेगारों को सजा दिलवाऊंगा। इसको लेके जाओ। जेलर साहब, ज्यादा टेंशन लेकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जरा इस टीवी की तरफ देखो। इस रिमोट से तुम्हारी सारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। अब देखो। जेलर, तुमने मेरे भाई को अलग करने की बहुत कोशिश की, मुझे खून के आंसू तक रुलाए। अब शतरंज की बाजी पलट गई, अब बाजी मेरे हाथ में। अमर, तुम अपने भाई को तब तक मारोगे जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। कहीं तुम्हारे हाथ भाई के लिए जज्बात में रुक गए तो फिर मैं जज्बाती हो जाऊंगा, समझे? नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो अब शुरू हो जाओ। भैया उठ, उठ, नहीं उठ। हमारा एक जिंदगी के बदले तेरे हाथ में 6 जिंदगी है। मार मुझे, शायद भगवान की यही मर्जी है। रे मार, मैं आपको नहीं मार सकता भैया। मैं कहता हूँ मार, मैं नहीं मार सकता। मार, मार मुझे, नहीं मार, अमन, मार कहता हूँ मार, मार मुझे, मैं आपको, मैं कहता हूँ मार, भैया, मार, कमाल, मार मुझे, ना मार। Yeah.
सबूतों व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए दफा 302 के तहत ये अदालत कत्ल के जुर्म में इन मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। Yeah!